बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। तो ऐसे रिक्वेस्ट होती है, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक पर ना ही पैसे जब कैमरा बंद था तब भी ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो अभी तो मैं ये आप लोग देख सकते हैं, शायद नज़र आ रही होगी क्योंकि ये फ्रंट वाला कैमरा नहीं है, बैक वाला कैमरा है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक होगा। तो बात बता देते हैं लोकेशन की। तो इस लोकेशन पे पहले मैं आया था, एक दफ़ा विज़िट करके गया हूँ। तो उन लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग यहाँ पर काम शुरू करें, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। तो उन्होंने काम शुरू किया था तो उनके साथ काफ़ी मामलात उनके सामने आए हैं। और उन्होंने पहले वो मेन गेट जो था वो नहीं लगा हुआ था, उन्होंने वो लगाया है। और ये कोई कमरे हैं जो मिट्टी के साथ उन्होंने ठीक किए हैं, तो वो भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। मुसलसल आवाज़ें पहले भी आ रही थी और अब भी आ रही है। तो बुज़ुर्ग ने कुछ चीज़ें मुझे दी थी तो वो मैं लेके आया हूँ। वही जो अल्लाह अकबर जो कि आग लगाना है उसमें वो डालनी है, उसका धुआं पूरे रूम में जाएगा और जहाँ जहाँ तक वो धुआं जाएगा वहाँ तक वो चीज़ें भाग जाएंगी। तो वो भी चीज़ मेरे पास है अभी। और अल्लाह अकबर, अभी भी इधर से आवाज़ आ रही है। और वैसे भी उन्होंने मुझे पानी भी दिया था और लोकेशन को क्लियर करनी है। अब आज मेरे पास पानी भी है, लोकेशन भी क्लियर करूंगा। और ये वो पहले उनका जो उन्होंने बताया है मुझे वो मैं काम शुरू करता हूँ, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई उसका सामना करेंगे आज, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आती है। वो इसलिए कि मैं यही चाहता हूँ कि हफ्ते में एक वीडियो भी आ जाए और अच्छी आ जाए, कोशिश यही होती है। क्योंकि मैं बुज़ुर्ग के पास जाता हूँ, काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारता हूँ, उनसे बातें पूछता रहता हूँ और जो भी मुझ में कमी है वो बुज़ुर्ग बताता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, मैं इंशाल्लाह वैसे का वैसे करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई है कि जो चीज़ जहाँ पे दफन होती है वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा बहुत आसानी से। तो ढूंढते वक्त काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर वो चीज़ उसने मुझे दी है बुज़ुर्ग ने, तो वो भी मैं आप दोस्तों को शो करवाऊंगा, मगर अब आज नहीं, इंशाल्लाह अगले लोकेशन पे वो भी मैं आप जो दोस्तों को दिखाऊंगा। ऐसे लगता है कि किसी चीज का साया हो इधर उधर। काफी सामान पड़ा हुआ है इधर, लगता है कि मुझे लगा है कि ये चीज हिली है, शायद हो सकता है कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। अल्लाह अकबर। तो काफी सामान इधर, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर, ये देखिए आप दोस्तों को मैंने बताया है पहले भी, मुझे महसूस हुआ है कैमरे में अभी भी रिकॉर्ड हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता। वो इसलिए कि बैक कैमरा है, फ्रंट तो है नहीं, ताकि मुझे भी नजर आए। तो अभी भी ये सारा का सारा हिल रहा था इधर। ये देखिए दोबारा, अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। मुझे नहीं पता कि ये कहां से कोई चीज गिर रही है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा। अल्लाह अकबर, ये चीज जो है ये तो मैंने उनको, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अभी तक तो ये शुरुआत है। तो जो भी उनके साथ मामलात हुए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि ये, मैं आप दोस्तों को इधर से दिखा देता हूँ, ऐसे लगी है कि यहाँ से कोई चीज गिरी है आकर। अल्लाह अकबर,
अभी मैं आप दोस्तों को ये देखिए ये देखिए ये क्या है ऊपर, अल्लाह अकबर। अभी भी इस रूम में से आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि ये मैं इस चीज की बात बताना भूल गया हूँ आप दोस्तों को, क्योंकि मुझसे ये बातें तो होती रहेंगी और मुसलसल जो मामलात हैं वो भी होते रहेंगे। इस चीज़ की आपको मैं बात बताता हूँ, ये हांडी है ठीक है, ये भी उन्होंने मुझे दी थी। तो उन्होंने कहा इस पे हम लोगों ने, बाबे ने कहा था कि बुज़ुर्ग ने कि इस पे मैंने वो पढ़ दिया है, तो आप लोग ले जाएं इसे, मैं रखूं या जो भी उस लोकेशन पे जाए उसको ये दे देना, और इसके अंदर आग जलानी है और वो चीज़ जो मुझे दी गई है वो जलानी है, और धुआं जो है जहाँ जहाँ तक जाएगा इंशाल्लाह वो चीज़ें वहाँ से भाग जाएगी। अभी ये उनका सामान पड़ा हुआ है सारा का सारा, आप दोस्तों को मैं ये भी दिखा देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। आप दोस्तों को मैं ये बता दूं कि कुछ रूम का उन्होंने काम स्टार्ट किया था और उन्होंने मुकम्मल भी करने की कोशिश की है, और जो उन्होंने वो गेट लगाया है वहाँ पे भी काफ़ी लोगों के साथ मामलात पेश आए हैं। आप दोस्तों को मैं वो भी दिखा दूँ पहले, ये मेन गेट उन्होंने लगा दिया है, पहले कि ये नहीं लगा हुआ था, अभी उन्होंने लगाया है। और उसके बाद जब उन्होंने रूम का काम शुरू किया है, वो 3-4 रूम हैं जिनका उन्होंने दोबारा काम शुरू किया था, तो पहले मैं ये देखिए उधर आवाज़ें आ रही है कहीं ना कहीं से, तो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे रख कर वो अपना जो काम है वो पूरा करता हूँ। तो पहले ये देख लूँ नज़र आ रहा है कि नहीं। नहीं अभी बिस्मिल्लाह जी करते हैं इंशाल्लाह। मैं तो ऐसे कहूँगा कि मैं इसे आग लगाकर सारे रूम के अंदर ले जाऊँ, वो इसलिए कि वो चीज़ें अगर इधर होंगी तो वो भागने की कोशिश करेंगी, उनकी शायद हो सकता है कि आवाज़ें आएँ, और जो भी होगा मामलात वो आप दोस्तों के सामने होगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्योंकि ये मैं दायरा इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर कुछ अटैक वगैरह होते हैं तो इस दायरे के अंदर अटैक नहीं होंगे, तो इसलिए मैं दायरा लगा देता हूँ।
शायद आप दोस्त देख रहे होंगे कि आग जो है वो लगाना कितनी मुश्किल है। इतनी देर तक मैंने आग लगाई है और अब आग लगी है जाकर। अल्लाह अकबर। अभी ये देख दोबारा, ये देख। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका भी काम हो गया अभी। अभी कुछ सुकून है इधर, पहले तो काफी आवाजें वगैरह आ रही थी, अभी काफी सुकून है इधर। काफ़ी मामलात इस रूम में थे, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इधर स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी सामान वगैरह इधर पड़ा हुआ है तो काफ़ी अटैक इधर ही होते हैं। अल्लाह अकबर। अभी जी काम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये
देख लिया होगा। तो अभी बकिया काम स्टार्ट करते हैं, बकिया जो रूम है वो दिखाते हैं, और इस चीज़ को उठाकर मैं उधर ले जाता हूँ।